हेलो बच्चों, सो हम लोग आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है कंस्ट्रेंड मोशन। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ना, कंस्ट्रेंड मोशन। सो कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है ना। रिजिड बॉडी ओके, इसको समझना ज़रूरी है कंस्ट्रेंड मोशन स्टार्ट करने से पहले कि रिजिड बॉडी क्या है। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि जिस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो ही ना, कितना भी फोर्स आप लगा दें, अगर आइडियल रिजिड बॉडी है तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। ओके, कितना भी फोर्स लगा दें, जैसे ये पेन मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं तो इस पर आप कितना भी फोर्स लगा के इसको पुल करो या कितना भी फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करो, इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो अगर हम लोग रिजिड बॉडी को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ बॉडी इन व्हिच देर इज नो डिफॉर्मेशन On the application of force. एक्चुअल में ऐसी बॉडी है नहीं, आप कोई भी कितना भी रिजिड क्यों ना हो कोई बॉडी, उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होती है, उसका लेंथ चेंज होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है, कोई भी बॉडी, उसको हम लोग इलास्टिसिटी में डिस्कस करेंगे। बट अगर हम लोग आइडियल रिजिड बॉडी की बात करें, परफेक्टली रिजिड बॉडी की बात करें, तो उसके लिए क्या होता है कि उस बॉडी में कितना भी फोर्स लगा दो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि रिजिड बॉडी के लिए डिफॉर्मेशन जो है वो जीरो रहेगा, डिफॉर्मेशन किसी भी टाइप का नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है, सपोज दिस इज रिजिड बॉडी, ओके, एंड दिस रिजिड बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स दिस विथ सपोज वी मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग कोई पॉइंट कंसिडर करें ए एंड बी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो कितना है डी, तो ये जो डी है दिस विल नॉट चेंज, यानी कि डी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी विल नॉट चेंज इन एनी सिचुएशन। अगर ऐसा हो रहा है तो उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि रिजिड बॉडी का मतलब कि किन्हीं भी दो पॉइंट, अगर हम लोग रिजिड बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट चूज करें तो उन दो पॉइंट पे डिस्टेंस जो दोनों पॉइंट के बीच वो सेम रहेगा हमेशा, हर सिचुएशन में, एनी हाउ। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, अगर हम लोग दूसरा डेफिनेशन ध्यान से देखें तो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी डज नॉट चेंजेस। ओके, बॉडी मूव कर रही है, रेस्ट में है, एक्सीलरेट कर रही है, कुछ भी कर रही हो, बट दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं करेगा, इन दोनों के बीच चेंज नहीं करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये वी स्पीड से इधर जा रहा है तो ये वी स्पीड से आगे जा रहा होगा, अगर ये ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है तो ये पॉइंट ए भी ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरा, या सिंपल वे में बोले अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या रहेगा, जीरो, इन केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन। ओके, इन केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए विल बी जीरो। अगर कोई बॉडी रिजिड है तो रिजिड बॉडी के अंदर किसी पॉइंट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट या तो जीरो होगा या तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये दो ही पाथ पॉसिबल है, या तो दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो, या फिर दोनों क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इन केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन
रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट इन द बॉडी विल बी जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। बट किस केस में? प्योर ट्रांसलेशन केस में चीज ध्यान रखें, अगर रोटेशन होगा तो चीजें डिफरेंट भी हो सकती हैं। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके, रिजिड बॉडी के लिए हम लोग, कि कैसे जीरो होता है ना। काफी इंटरेस्टिंग चीज है रिलेटिव कंस्ट्रेंड मोशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और कंस्ट्रेंड मोशन का NLM में, फ्रिक्शन में बहुत जबरदस्त यूज आने वाला है। इवन आपके वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, फिर SHM पढ़ेंगे, वहाँ पे कंस्ट्रेंड मोशन बहुत यूज आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलो आओ देखते हैं एग्जांपल एक। मान लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है ना, एंड दिस बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड 10 m/s टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं। ओके, रोटेशन नहीं हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है। ओके, मैं अब इनमें कोई पॉइंट चूज करता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो अब होगा क्या कि पॉइंट बी भी इधर की तरफ जाएगा 10 m/s से। अब क्या होगा, प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है तो पॉइंट ए भी क्या जाना पड़ेगा, ए और बी के बीच जो डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ए और बी, अगर बी 10 m/s से इधर जा रहा है तो ए को भी 10 m/s से इधर जाएगा, अदरवाइज डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। डी भी इधर की तरफ जाएगा 10 m/s से, एंड सी भी इधर की तरफ जाएगा 10 m/s से। ऐसा होगा तो ही दोनों पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो है डिस्टेंस वो क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, अगर ये दो पार्टिकल हम लोग चूज करें तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, अगर ये दोनों पार्टिकल हम लोग चूज करें तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो ये होता है रिजिड बॉडी। मतलब अगर कोई रिजिड बॉडी सपोज 15 m/s के स्पीड से जा रहा है तो उसका हर एक पॉइंट कितने स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, 15 m/s के। ओके, अब कंस्ट्रेंड मोशन पे डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंड नाम से ही पता चला, कंस्ट्रेंड मतलब सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। जैसे अभी लॉकडाउन में वी आर कंस्ट्रेंड इन आवर हाउस। ओके, हम लोग अपने घरों में बंधे हुए हैं, है ना, बाहर निकलेंगे तो पुलिस मारती है। तो सेम तरीके से कंस्ट्रेंड का मतलब सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ओके, सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, या सिंपल बोलें तो बाउंडेशन। ओके, बाउंडेशन, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक छोटा सा, बहुत ही पिद्दी सा एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैंने इस शर्ट को पहन लिया, तो अभी क्या हो गया, ये शर्ट मेरी बॉडी के साथ कंस्ट्रेंड हो गया, मैं जहां पे भी जाऊंगा ये शर्ट मेरे साथ जाएगा, है ना, जब तक मैं इस शर्ट को उतारूंगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, कंस्ट्रेंड का मतलब रेस्ट्रिक्शन, सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। बहुत इजी टॉपिक है ये। ओके, मतलब अगर सपोज मैं बोलूं ब्लॉक ए इज कंस्ट्रेंड विथ ब्लॉक बी, तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ इसका, कि ब्लॉक ए में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो ब्लॉक बी में भी होगा। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि ब्लॉक बी जो है ए के साथ कंस्ट्रेंड है। सेम तरीके से अगर ब्लॉक ए मूव कर रहा है देन बी ऑल्सो हैव टू मूव बिकॉज बी इज कंस्ट्रेंड विथ ए। ओके, इसी को कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज, अब कंस्ट्रेंड में होगा क्या, सपोज ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी को हमें कंस्ट्रेंड करना है तो क्या करेंगे, दोनों को स्ट्रिंग से जोड़ सकते हैं, रॉड से जोड़ सकते हैं, या एक को दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, है ना। तो ये सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन आ गया, कंस्ट्रेंड आ गया, मतलब अगर ए में कुछ चेंजेस आ रहा है तो बी में भी आएगा। सिंपल सी बात है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज, छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लेते हैं ब्लॉक ए है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ब्लॉक बी से, दिस इज स्ट्रिंग। ओके, एंड अब हमने क्या कर दिया, ब्लॉक ए को कंस्ट्रेंड कर दिया किससे, ब्लॉक बी से, है ना। किससे, कैसे कंस्ट्रेंड कर दिया, बाय मींस ऑफ दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज यहां पे हम बता चुके हैं, जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैसी है,
मासलेस है। कैसी है? मासलेस है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या बता चुके हैं, स्ट्रिंग हमारी कैसी इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल। ओके, इनएक्सटेंसिबल का मतलब स्ट्रिंग पे भी कितना फोर्स आप लगा लो लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ नहीं चेंज करेगा, यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट अगर हम लोग स्ट्रिंग पे लें तो उनके बीच का डिस्टेंस अल्टर होने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनएक्सटेंसिबल। ओके, तो हमने क्या किया, ब्लॉक ए और बी को कंस्ट्रेंड कर दिया एक दूसरे के साथ, किससे कंस्ट्रेंड कर दिया, बाय मींस ऑफ दिस स्ट्रिंग। ओके, अब अगर ए में कुछ चेंजेस आएगा, अभी दोनों रेस्ट पे हैं, अगर ए मूव करेगा तो बी हैव टू मूव, अगर बी मूव करेगा तो ए हैज टू मूव, दोनों अगर दोनों में से किसी एक में चेंजेस आएगा तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे में भी चेंज आएगा, इसी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंड मोशन। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने बी को इधर की तरफ मोशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड, तो बी क्या है, रिजिड बॉडी है। अब बी रिजिड बॉडी है तो ये जो पॉइंट हो भी इधर की तरफ जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से, ये जो पॉइंट होगा यह भी जा रहा होगा आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, ऐसे ही ये वाला पॉइंट, याद करें ये वाला पॉइंट जो है ये इस ब्लॉक पे भी है, इस स्ट्रिंग पे है, तो ये भी इधर की तरफ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो अब ये पॉइंट स्ट्रिंग पे भी था और ब्लॉक पे भी था, मतलब स्ट्रिंग का ये पॉइंट भी आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो स्ट्रिंग पे जो यहाँ पे पॉइंट हो भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट हो भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा। और सेम बात करें इस कनेक्शन पॉइंट का, तो ये कनेक्शन पॉइंट स्ट्रिंग पे भी है और ब्लॉक ए पे भी है, तो अगर ये स्ट्रिंग का ये पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है देन दिस ब्लॉक हैज ऑल्सो हैज टू मूव विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ओके, क्योंकि ये जो कनेक्शन पॉइंट हो ब्लॉक पे भी है और स्ट्रिंग पे भी है, और स्ट्रिंग जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये ब्लॉक भी किधर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, कंस्ट्रेंट रिलेशन खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब सपोज जैसे मान लेते हैं ये 5 से जा रहा था, ये 4 से जाने लगा, तो दोनों के बीच क्या है, रिलेटिव मोशन आ गया ना, ये इसका 5 मीटर पर सेकंड इसका 4 मीटर पर सेकंड, तो भी क्या जाएगा, लेंथ चेंज होने लगेगा, या तो अभी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि लेंथ हम लोग पहले कंसीडर कर चुके हैं कि लेंथ इनएक्सटेंसिबल है, लेंथ चेंज नहीं करेगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो स्ट्रिंग ब्रेक हो गई या तो स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है, बट हमने पहले ही एजम्पशन ले लिया है कि स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग का लेंथ किसी भी तरीके से चेंज नहीं करेगा। तो अगर ये पॉइंट स्ट्रिंग का 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो दिस पॉइंट हैज टू मूव विद 5 मीटर पर सेकंड बिकॉज दीज टू आर कंस्ट्रेंड। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर ये ब्लॉक इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकंड से, तो इस ब्लॉक को भी इधर की तरफ चलना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड से। ओके, सिमिलरली सेम तरीके से अगर मैं बोलूं ये ब्लॉक है सपोज ए, ओके दिस ब्लॉक इज बी एंड दे आर कंस्ट्रेंड विद दिस स्ट्रिंग, ब्लॉक ए स्टार्ट्स मूविंग विद दिस विद इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं ब्लॉक ए हैज टू मूव ऑल्सो विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बिकॉज दे आर कंस्ट्रेंड विद दिस स्ट्रिंग। ओके, सिंपल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये पॉइंट भी इधर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से, ये पॉइंट भी इधर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से, ये पॉइंट भी इधर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से, ये पॉइंट भी इधर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से, और ये पॉइंट जाने का मतलब ये पॉइंट ब्लॉक पे है, तो ब्लॉक भी इधर जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। ओके, सेम डायरेक्शन में। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं, सपोज ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी आर कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग, दे आर कंस्ट्रेंड विथ दिस स्ट्रिंग, ब्लॉक बी स्टार्ट एक्सिलरेटिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सिलरेशन, देन ए हैज ऑल्सो एक्सिलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, दिस इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आने वाली है, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ओके, कंस्ट्रेंड मोशन में मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी। ओके, 3-3 मेथड 4-4 मेथड में बता सकता हूँ। ओके, तो आइए देखते हैं, ये जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कंस्ट्रेंड मोशन में हम लोगों को बेसिकली दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना, दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला कौन सा हम लोग पढ़ेंगे इसमें, पुली कंस्ट्रेंड। पहला क्या पढ़ेंगे, पुली कंस्ट्रेंड, है ना, पुली कंस्ट्रेंड। एंड दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेज कंस्ट्रेंड, वेज कंस्ट्रेंट। ओके,
वेज कंस्ट्रेंट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी पुली कंस्ट्रेंट एंड सेकेंड वेज कंस्ट्रेंट. वेज कंस्ट्रेंट भी सेम मेथड से करते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. पुली कंस्ट्रेंट भी हम लोग सेम मेथड से करते हैं बस थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंस होता है. दोनों मेथड काफ़ी इजी हैं, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाली है, बहुत इजी है सारी चीज़ें. ओके, अब हम लोग जो मेथड यूज़ करने वाले हैं, मेथड देखें मेरे पास तीन तीन चार चार मेथड्स हैं. ओके, बट आप लोगों को कौन सा इजी, मैं चारों बताने वाला हूँ, तीनों बताने वाला हूँ, बट आप लोगों को कौन सा इजी लगता है वो बताना. ठीक है, देखें कंस्ट्रेंट में मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इतना क्वेश्चन कराने वाले हूँ वाला हूँ, आप यूट्यूब पे कहीं पे भी खोज लेना कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में, अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए तो बताना मेरे से. मैं किसी टीचर का बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर कोई अच्छे से पढ़ाता है, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं जितने लोग भी, सब लोग अच्छा ही पढ़ा रहे हैं. ओके, बट कंस्ट्रेंट मोशन में मैं इतना क्वेश्चन कराऊंगा कि आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ओके, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और इतना क्वेश्चन अगर कंस्ट्रेंट मोशन पे किसी ने कराया होगा तो बता देना हमको. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मेथड जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. पहला मेथड होगा हमारा पॉइंट मेथड, है ना. दूसरा मेथड जो मैं यूज करूँगा पावर मेथड, पावर मेथड. एंड तीसरा मेथड जो मैं यूज करूंगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ये और ये लगभग एक ही है. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट, है ना. या मैं इसको बोल दूं तो ये जनरल मेथड में या पुली मेथड हम लोग बोल देंगे. जनरल मेथड और पुली मेथड. ओके, और जनरल मेथड और पुली मेथड. ये वाला और ये वाला अप्रॉक्सीमेटली सेम चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं. ओके, बल्कि यहाँ से ही इस वाले को डिराइव किया गया, एक अलग मेथड बना दिया गया. ओके, तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बट आपको जब पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा. और जो पावर मेथड है कम्प्लीटली डिफरेंट है, और सबसे ईजी जो है वो पावर मेथड है. बट पावर मेथड हर जगह पे आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे. ओके, अभी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तुम लोगों को तो आप बोलना वहाँ पे, मैं बोलूँगा कि इसको पावर से कोशिश करो, तो आप पावर से नहीं कर पाएंगे आप लोग, लेकिन पॉइंट से उसको आसानी से कर सकते हैं. जब मैं वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाऊंगा तो पावर आप वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, वहाँ पे एन डॉट बी करना पड़ेगा. खैर नॉर्मल रिएक्शन कर सकते हैं, बट पॉइंट मेथड से वेज कंस्ट्रेंट भी आसानी से हो जाता है. तो अगर आप, मैं सबसे स्टैंडर्ड इसको मानता हूँ पॉइंट को, पॉइंट मेथड इज़ वेरी वेरी स्टैंडर्ड, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा सा मेथड है ये. अगर आप इसको सीख जाएंगे तो कंस्ट्रेंट का कोई भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होगा, अगर ढंग से आप सीख जाएंगे. ओके, क्योंकि पॉइंट मेथड से आप पुली कंस्ट्रेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं, वेज कंस्ट्रेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं, जनरल कंस्ट्रेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पावर से सिर्फ पुली कंस्ट्रेंट को आप सॉल्व कर पाएंगे, वेज कंस्ट्रेंट को नहीं सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे. ओके, तो आप जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग सबसे पहले इस मेथड की तरफ डिस्कस करते हैं, जनरल कंस्ट्रेंट की तरफ. ओके, तो चलो जल्दी से नोट करो, आओ देखते हैं. आओ, तो आप लोग सबसे पहले निकालें जनरल मेथड, फर्स्ट मेथड, जनरल मेथड, जनरल मेथड, जनरल मेथड. ओके, पुली मेथड, इसको आप पुली मेथड बोलें, जो भी बोलना, पुली मेथड. ओके, पुली मेथड, जनरल मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं. कैसे, ध्यान देखें, ये मेथड क्या कहता है, कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट. ओके, पूरे मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट ही समझना है. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी. दूसरा चीज, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सारे न्यूमेरिकल्स भी आपसे नहीं बनेंगे जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ओके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए. ओके, चलिए आइए देखते हैं जनरल मेथड. चलो भाई, ये एक पुली है, ये एक ब्लॉक लटका हुआ है, ए मास होगा कुछ इसका ब्लॉक का, ये दूसरा ब्लॉक है बी.
ओके अब सभी को पता है, हम बता चुके हैं जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताए थे कि अगर ब्लॉक बी नीचे आएगा तो ब्लॉक ए ऊपर जाएगा, है ना, ब्लॉक ए नीचे आएगा तो ब्लॉक बी ऊपर जाएगा, और सेम बात अगर बी सपोज 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है तो ब्लॉक ए 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। सिंपल से, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे, ध्यान से देखिए, जनरल मेथड अप्लाई करता हूँ। मान लेते हैं ब्लॉक बी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, इस एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो वेलोसिटी में कंस्ट्रेंड है सेम चीज एक्सीलरेशन के लिए भी यूज करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में जो आपने निकाला है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। तो सेम चीजें दोनों के लिए यूज होंगी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के लिए सेम चीजें होंगी, एक्सीलरेशन के लिए कोई अलग से मेथड नहीं होगा। मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तो अब इस रिजिड बॉडी का ब्लॉक बी क्या है, रिजिड बॉडी हम लोग पहले कंसीडर कर चुके हैं, तो ब्लॉक बी का हर पॉइंट कितने से नीचे आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये भी कितने से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट भी 10 से नीचे आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी सेम से नीचे आ रहा है ना, स्क्वायर से। अब ध्यान देखें, ये वाला जो पॉइंट है भी सेम तरीके से नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट है इधर इधर की तरफ जा रहा होगा, यहाँ पे जो पॉइंट इधर की तरफ जा रहा होगा, अब यहाँ पे जो पॉइंट है ऊपर जा रहा होगा कितने से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यहाँ पे जो पॉइंट ऊपर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, ये जो पॉइंट है भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अब ये पॉइंट जो है कंस्ट्रेंड है ए के साथ, यानी कि ए पे भी, ब्लॉक ए पे भी ये वाला पॉइंट है, तो ब्लॉक ए को भी ऊपर जाना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अदरवाइज ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो कंस्ट्रेंडेशन खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था। ओके, बहुत ही सिंपल सा मेथड हुआ ये। अभी हम लोग इसको स्टैंडर्ड वे में लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड वे में सब कुछ डिस्कस करते हैं कैसे चीजें हो रही हैं। ओके, बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में आइए देखते हैं। चलो भाई ब्लॉक ए, चलो तुम भी लटक जाओ ब्लॉक बी। ओके, चलो अब ध्यान से देखें, हमने क्या बोला था कि कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, स्ट्रिंग का लेंथ जो होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग कैसी हमारी, इनएक्सटेंसिबल है। तो अभी ध्यान से देखें, मान लेता हूं ये लेंथ जो है कितना, एक्स ए, एक्स ए, ये लेंथ यहां से यहां तक कितना है, एक्स बी, है ना। और स्ट्रिंग का ये इतना पार्ट जो है वो पुली पे हमेशा रैप्ड है, उसको मैं मान लेता हूं सी। क्या मान लेता हूं, सी, क्योंकि पुली पे ये इतना पार्ट, ये यहां से लेकर यहां तक ये वाला पार्ट जो पुली पे रैप्ड है वो तो हमेशा रैप्ड रहेगा। ये ब्लॉक चाहे ऊपर जाए नीचे आए, ये ब्लॉक चाहे ऊपर जाए नीचे आए, लेकिन ये वाला पोर्शन हमेशा क्या रहेगा, पुली पे उतना रैप्ड रहेगा। ओके, अब आप यहीं पे बैठ जाएं, चुपचाप चुपचाप यहीं पे बैठ जाएं, बस यहाँ पे बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करें, पुली पे बैठ के ऑब्जर्व करें। सिंपल सी बात है, बताएं, अगर ब्लॉक ए ऊपर जाएगा तो एक्स ए लेंथ घटेगा टाइम के साथ, अगर ब्लॉक ए नीचे आएगा तो एक्स ए लेंथ क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा। सिमिलरली हम लोग बी के साथ बोल सकते हैं, अगर बी ब्लॉक ऊपर जाएगा तो एक्स बी लेंथ टाइम के साथ घटेगा, और अगर बी ब्लॉक नीचे आएगा तो एक्स बी लेंथ टाइम के साथ बढ़ेगा। ओके, बट इस लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, एक्स ए विल चेंज विथ टाइम, एक्स बी विल चेंज विथ टाइम। ओके, बट This length which is wrapped on pulley will not change with time. Okay? और length जो है string का वो हमेशा constant रहेगा, क्योंकि length क्या हमने use किया है, string को हमने क्या बोला है, inextensible, यानी कि length of string change नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस सी, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्या जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब एक्स ए चेंज हो रहा है, एक्स बी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ टाइम के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये डी डी टी ऑफ एक्स ए प्लस डी डी टी ऑफ एक्स बी, और ये कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो क्या आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। सेम तरीके से ये भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा है, इनएक्सटेंसिबल हमने एज्यूम किया, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। अब ये क्या आ जाएगा, डी डी टी ऑफ एक्स ए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रेस्पेक्ट टू पुली, प्लस ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी
प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस टू वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो। सो वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई टू। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग बात करें, इस पर्टिकुलर केस में तो वेलोसिटी ऑफ पुली यहां से पुली क्या होगा, जीरो, क्योंकि पुली फिक्स्ड है बाय मींस ऑफ दिस स्ट्रिंग। ओके, इस रॉड के थ्रू ये फिक्स्ड है पुली, तो पुली तो मूव नहीं करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी वी। तो क्या आ जाएगा, जब पुली यहां पे रेस्ट में है, ओके, यहां पे पुली रेस्ट में है, तो हम लोग क्या देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में, वी पी इज इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी ए इज इक्वल टू माइनस वी वी वेक्टर फॉर्म में। ओके, ये सारा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो अभी ध्यान से देखें, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट मींस ए और बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दैट मींस अगर ब्लॉक ए ऊपर जाएगा तो बी नीचे आएगा, ब्लॉक ए अगर नीचे आएगा तो ब्लॉक बी ऊपर जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो ये चीज मैं समझाने के लिए बोला, आपको जो याद रखना है ये फार्मूला याद रखना है। ओके, ये फार्मूला याद होना चाहिए सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इस फार्मूले में आप लोगों को रखना क्या है, ध्यान से देखें, हमने निकाला यहाँ पे क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला है, और ये रिलेशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वी ए प्लस वी वी बाई टू। ओके, इसमें करना क्या है, कैसे चीज़ों को रखना है, वी ए वी वी एंड वी पी शुड बी should be placed with their sign, placed with their sign. ओके, अब ध्यान से देखें, अगर VP इसमें से कितना अननोन है, VP, VA, VB, तीन अननोन है, अगर दो हमें पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें इसका इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है तो इसका निकाल सकते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखना है आपकी, VA, VB, VP should be placed with their sign in this formula. अब sign convention हम लोग क्या use करते हैं, नीचे का direction negative, ऊपर का direction positive, इधर का direction positive, इसका इधर का direction negative, sign, simple sign convention जो हम लोग vector में पढ़ चुके हैं, same वही sign convention use करते हैं। okay, तो वहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ बार बार एक ही चीज़ को बताने के लिए। अब आइए एक दो question solve करते हैं, फिर आपका idea और अच्छे से clear होगा, है ना। चलो बहुत zero level से start करते हैं, basic level से, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सो वी पी इज इक्वल टू क्या देखा हमने, वी ए प्लस वी वी बाई टू। ओके, काफी सिंपल है, चले देखें। ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ओके, ब्लॉक बी इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ओके, तो सिंपल सी बात है, इस फार्मूले में ध्यान देखें, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई टू। वेलोसिटी ऑफ पुली, पुली तो फिक्स है, क्या ऊपर नीचे मूव कर पाएगी, नहीं, तो ये जीरो। इज इक्वल टू वी ए निकालना है, तो वी ए को हमने ऐसे रख दिया, प्लस वी बी को डायरेक्शन के साथ, नीचे है जा रहा, नीचे का डायरेक्शन हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, निगेटिव, माइनस 10 बाई टू। ओके, तो यहां से वी ए कितना आ जाएगा, वी ए कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, प्लस 10 आया ना, वी ए प्लस 10 आया, तो प्लस का मतलब क्या है कि ब्लॉक ए किधर जा रहा, ऊपर जा रहा, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, इज इट क्लियर सभी को, है ना। सेम तरीके से हम लोग एक्सीलरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन का पता चल जाएगा। ओके, तो घबराना नहीं है, जो चीज हम लोग वेलोसिटी के लिए यूज कर रहे हैं सेम चीज हम लोग एक्सीलरेशन के लिए भी यूज करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुली ब्लॉक ए ब्लॉक बी, पुली इज मूविंग अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ ब्लॉक ए। ओके, कैलकुलेट स्पीड ऑफ ब्लॉक ए, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या फार्मूला है, वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी वी बाई टू। वी पी कितना है, ऊपर की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल टू वी ए, नहीं पता है तो वी ए को हमने ऐसे रख दिया, वी बी ऊपर जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, तो 10 बाई टू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा,
आ जाएगा 40 इज इक्वल टू वी ए प्लस 10। तो वी ए कितना आ जाएगा यहाँ से, वी ए हमारा कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ब्लॉक ए इज मूविंग अप विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक ए इज मूविंग अप विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, एनी डाउट किसी को? ब्लॉक ए इज मूविंग अप विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट? ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करना है इसको। ओ सॉरी सॉरी, पुली इज मूविंग अप विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस साइड इज फिक्स्ड, दिस इज ब्लॉक ए। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ब्लॉक ए, वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ब्लॉक ए। तो एक बार खुद ट्राई करें तुम लोग, फिर मैं बताऊंगा। ओके, ट्राई करो जरा खुद से एक बार, खुद से ट्राई करो एक बार, चलो ट्राई करो। तो आओ देखते हैं फार्मूला क्या है। Vp इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई टू। ओके, तो यहाँ पे तो आप बोलेंगे सर दूसरा ब्लॉक तो है ही नहीं, तो मैं इसको दूसरा ब्लॉक मान लेता हूँ और ये ग्राउंड से बंधा हुआ है। ओके, इसको मैं बी मान लेता हूँ और बी क्या है, ग्राउंड से बंधा हुआ, दैट मीन्स ये एंड मूव ही नहीं करेगा। तो वी वी क्या हो जाएगा, जीरो। ये बंधा हुआ है ना ग्राउंड से, बिल्कुल बंधा हुआ है, इसको मैं दूसरा ब्लॉक मान लेता हूँ। तो अभी ये बंधा हुआ ग्राउंड से क्या मूव करेगा, पुली, पुली तो मूव करेगी, लेकिन क्या ये ग्राउंड, इसको मैंने बी मान लिया, अब बी तो ग्राउंड से बंधा हुआ तो क्या मूव करेगा, नहीं, तो उसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो। वी पी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव 10 इज इक्वल टू वी ए, नहीं डायरेक्शन पता तो एज इट इज, ये तो जीरो है बाई टू, तो वी ए कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। पुली जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ब्लॉक ए जाएगा कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, कोई डाउट किसी को? ओके, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट किया लिखा है। ओके, तीन पुली है, तीन पुली से ब्लॉक्स कनेक्शन दिया हुआ है। ब्लॉक ए नीचे की तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ब्लॉक बी ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ पुली टू। ओके, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पुली थ्री, पुली वन तो रेस्ट पे रहेगा है ना, बधा हुआ ऊपर यहाँ से, एंड थर्ड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जल्दी से कैलकुलेट करें। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार खुद से ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें। ओके, सो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए, सी का वेलोसिटी चाहिए। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पुली थ्री का वेलोसिटी पता चल जाए तो सी का पता चल जाएगा फार्मूले से। सेम तरीके से इसका चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग पुली टू का निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप पुली टू के पास आएँ, सिर्फ आप इतने सिस्टम को ध्यान से देखें, सिर्फ इतने पार्ट को। ऑब्वियस ही बात है, पुली ऊपर नीचे मूव करेगी क्योंकि पुली फिक्स तो है नहीं, तो सिर्फ आप इतने पार्ट को देखें। मान लेते हैं पुली का वेलोसिटी Vp2 है। ओके, तो हम लोग पुली 2 के लिए क्या लिखेंगे, फॉर पुली 2, पहला हम लोग देखेंगे फॉर पुली 2, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Vp2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A, इसका इसका क्या आ जाएगा, इसका तो जीरो आ जाएगा क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है, प्लस जीरो बाई टू। Vp2 हमको नहीं पता है, तो Va, VA कितना है 4, नीचे की तरफ है ना, तो माइनस फोर बाई टू, कितना आ जाएगा यहाँ से, -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि पुली 2 है वो नीचे जा रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। अब सिंपल सी बात बताएं, पुली 2 नीचे आ रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से, तो पुली A कनेक्टेड है किससे, पुली 3 से, तो पुली 2 नीचे आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, पुली 3 किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो दूसरा आंसर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहला आंसर हो गया, दूसरा आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली 3 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, पुली ये किधर आ रही थी, नीचे की तरफ। ओके, काफ़ी सिंपल है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कनेक्शन है, ऐसे कनेक्टेड है ना, ये पुली हो गया, ये दूसरा पुली हो गया और ये तीसरा पुली हो गया। अब इसको आप ब्लॉक से, इसको आप ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं, अगर ये नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो सिंपल सी बात है, अभी मैं बता चुका हूँ, ये ऊपर जाएगा सेम वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप निकाल भी सकते हैं, इसको आप ब्लॉक एक कंसीडर कर लें, इसको दूसरा ब्लॉक कंसीडर कर लें, सिंपल सी बात है ना, काफ़ी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब हम लोगों का निकल गया दूसरे पुली का वेलोसिटी। अब इसके पास आ जाते हैं, सिर्फ इसको देखें, पुली 3 के पास,
सी का निकालना है ना, तो अब इतने पार्ट को देखेंगे, सिर्फ इतने पार्ट को। अब इसको भूल जाएं, इधर वाले पार्ट को भूल जाएं, आप सिर्फ इतने पार्ट को देखें। तो पुली थ्री के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुली थ्री इज इक्वल टू, दो ब्लॉक हैं बी और सी, तो वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी बाई टू, है ना। ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से, टू से, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। वी बी ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है थ्री से, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, प्लस वी सी, नहीं पता तुमने वी सी लिख दिया सिर्फ टू, तो यहाँ से वी सी कितना जाएगा वन मीटर पर सेकेंड। प्लस आया है ना, तो प्लस का मतलब क्या है कि ये भी ऊपर जा रहा है कितने से, वन मीटर पर सेकेंड से, कितने से जा रहा है वन मीटर पर सेकेंड। खत्म क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट कितना ईजी है क्वेश्चन, है ना, जल्दी से नोट करें। ओके, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो अब हम लोग आते हैं जनरल मेथड पे। किस पे आते हैं, सेकंड हम लोग जो मेथड बताया था जनरल मेथड, पॉइंट मेथड और पावर मेथड को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, दूसरा जनरल मेथड। जनरल मेथड इसके बाद हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे, पावर मेथड पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड सबसे अच्छा मेथड है, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, जनरल मेथड क्या, आइए देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने बताया था लास्ट क्लास में, सिंपल सी बात है, अगर इस ब्लॉक ए है मान लेते हैं, ओके, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी, एक इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, बोलो किधर जाएगा, इन दोनों का जिधर रिजल्टेंट होगा उधर उस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कितने से, 10√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ओके, तो अगर ब्लॉक ए के पास कई सारे वेलोसिटी हैं तो किधर की तरफ मूव करेगा, जिधर उसका सभी वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ओके, रियल मूवमेंट किधर होगा ब्लॉक का, जिधर रिजल्टेंट वेलोसिटी लग रहा होगा, इन दोनों का जिधर रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी होगा उधर की तरफ ब्लॉक ए जाएगा। सिंपल सी बात है, जनरल कॉन्सेप्ट यही है। ओके, हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिजल्टेंट ब्लॉक का रियल मूवमेंट जिधर हो रहा है उधर की तरफ क्या है हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी लग रहा है। ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारा वही है, काफ़ी सिंपल है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, ये ब्लॉक ए, दिस इज पुली, दिस इज ब्लॉक बी। ओके, ब्लॉक बी इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी आर कंस्ट्रेंड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, ब्लॉक ए इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया कितने से, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ये एंगल आपको दे दिया है कितना, 37 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसको देखते हैं हम, मैं इसको सॉल्व करता हूं, तुम लोग दूसरा सॉल्व करोगे। ब्लॉक ए इधर जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, दैट मींस यहां पे जो पॉइंट होगा वो कितने से जा रहा है इधर की तरफ, 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट भी 5 मीटर से इधर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी इधर जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से, है ना। अगर यहां पे बात करें तो ये भी पॉइंट भी स्ट्रिंग पे ही, तो 5 मीटर पर सेकंड से भी जा रहा होगा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होगा, ये पॉइंट जो है ये इधर जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से। ओके, अब आप इस ब्लॉक को ध्यान से कंसीडर करें, ब्लॉक का ये पॉइंट इधर जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। ब्लॉक का रियल मूवमेंट किधर है, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाउंडेड है मूव करने के लिए, रियल मूवमेंट इसका इधर होगा, इसे मान लेते हैं वी, और यही वी हम लोगों को निकालना है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 37 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अब ध्यान से बताएं, यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है कि इसका कंपोनेंट लेते लेते हैं इधर की तरफ कि 5 वी इज इक्वल टू 5 कॉस 37, बिल्कुल गलत है। हमने क्या बोला था, कंपोनेंट हमेशा किसका लेते हैं, रिजल्टेंट का लेते हैं, कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं लेते हैं, किसका कंपोनेंट लेते हैं, रिजल्टेंट का। तो कैसे पता करेंगे कि ये जो है 5 मीटर पर सेकंड इस v का कंपोनेंट है या v 5 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बट इसको अगर हम लोग पावर मेथड से करेंगे अभी तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बट इसको भी सीखना जरूरी है, आता है कहीं कहीं पे, ओके, हर जगह पर पावर आप नहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखें, 5 मीटर पर सेकंड v, अब होगा क्या, हमने क्या बोला था कि ब्लॉक किधर मूव करेगा, जिधर रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, तो ऑब्वियसली बात है अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, ये ब्लॉक बी हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो ये वी हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट कंपोनेंट किसका होता है, रिजल्टेंट का।
तो अब वी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ, दूसरा परपेंडिकुलर इधर की तरफ। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बोलो, वी कॉस 37, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वी साइन 37। अब बताएं ये वाला कंपोनेंट हमको पता है कितना, 5 मीटर पर सेकंड, और हमने देखा v के टर्म में ये वाला कंपोनेंट कितना आया था, v cos 37। तो हम लोग क्या यहां से कंक्लूजन निकाल लेंगे कि v cos 37 जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो v cos 37 की वैल्यू 4/5 = 5, तो v कितना आ जाएगा 25/4 मीटर पर सेकंड, 25/4 मीटर पर सेकंड, दिस इज द आंसर। ओके, v cos 37 = 5। ऐसा नहीं कि 5 cos 37 = v कर दिए तो आप क्या कर देंगे, इस कंपोनेंट का इधर ले ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिजल्टेंट ये है, ये नहीं है, इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, मतलब ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं। ओके, तो अगर हमें ये कंपोनेंट पता है, ये एंगल पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं ना v क्या है, v का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, v cos 37, और वो कितना दिया हुआ 5, तो v cos 37 किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। काफ़ी सिंपल है ना, जल्दी से नोट करें, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। चलो आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके, सो क्वेश्चन ये है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, सबसे पहले आप कंफ्यूजन दूर करें, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दे आर बाउंडेड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ब्लॉक ए इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ बी, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ वी, ये v, चले जल्दी से कैलकुलेट करें फिर हमको आंसर बताएं, जल्दी से कैलकुलेट करें। ओके, बहुत ही इजी है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जल्दी से सॉल्व करें इसको। चलो आओ देखते हैं, अच्छा एंगल देना मैं भूल गया, सॉरी एंगल देना मैं भूल गया, एंगल आप लोग नोट कर लें, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। ओके, एंगल देना मैं भूल गया था, अब सॉल्व करें इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएं। चलो आओ देखते हैं, अच्छा सिंपल सी बात है, ब्लॉक ए इधर जाएगा तो ब्लॉक बी इधर आएगा वी से, और ये भी हम लोगों को निकालना, तो ध्यान से देखें स्ट्रिंग तो क्या है, स्ट्रिंग तो इधर की तरफ भी जा रही होगी, लेकिन अलॉन्ग द ऐसे भी मूव कर रही होगी, है ना, स्ट्रिंग ऐसे भी मूव कर रही होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस 5 के ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये इधर जा रहा होगा कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। क्या मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक इधर की तरफ, दूसरा अलोंग द स्ट्रिंग इधर की तरफ। अब ध्यान से देखिए, ये 37 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 37, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 5 cos 37, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकंड, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 5 sin 37, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ध्यान से देखें, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट इधर आ रहा कितने से, 4 से, तो ये वाला पॉइंट भी इधर आ रहा होगा कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से, सिंपल सी बात है ऐसे, है ना, ये वाला पॉइंट भी इधर आ रहा होगा कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से, एक ही स्ट्रिंग है, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा 4 मीटर पर सेकंड से, सेम तरीके से ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। अब फिर से वही बात आ गई, है ना, ब्लॉक ए का रियल मूवमेंट, ये वाला पॉइंट का रियल मूवमेंट इधर की तरफ है वी, और ये इधर की तरफ जा रहा 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये रिजल्टेंट है, मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका कंपोनेंट है, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा बोलो, वी कॉस 53 ना बोलो, और ये कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा वी साइन 53। तो अब ये जो 4 दिया हुआ है इसका कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आ जाएगा, वी कॉस 53, तो वी कॉस 53 किसके बराबर आ जाएगा बोलो, वी कॉस 53 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, यानी कि v cos 53 का वैल्यू 3/5 = 4, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/3 मीटर पर सेकंड, वेरी इजी, बहुत सिंपल। ओके, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ओके, जल्दी से नोट करें, कितना सिंपल है सारी चीज़ें, अभी इसको हम लोग पावर से भी करेंगे तो पावर से और भी आसान लगेगा आपको, है ना, बट ये मेथड भी पता होना चाहिए। ओके, जल्दी से नोट कर लें, जिनका नहीं हुआ था फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आओ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन रोडोप का है, जल्दी से सॉल्व करें, ये रोडोप का क्वेश्चन है, क्या बताना है, ब्लॉक ए इज मूविंग डाउन
हम लोगों को बताना है। और ये एक फ्रिक्शनलेस रॉड है जिसके बीच में एक रिंग फंसी हुई है। ओके, क्वेश्चन को समझें। ब्लॉक ए नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये एक फ्रिक्शनलेस रॉड है, दिस वन इज फ्रिक्शनलेस रॉड, इसके बीच में एक रिंग फंसी हुई है। अब ये नीचे आएगा तो रिंग किधर जाएगा, इधर जाएगा, कितने वेलोसिटी से जाएगा, वो हम लोगों को बताना। ओके, तो चले जल्दी से सॉल्व करें और आंसर बताएं कितना आएगा इसका। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रोडोक का है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से सॉल्व करें। ओके, सॉल्व करके आंसर बताएं। तो चलो आओ देखते हैं। चलो स्ट्रिंग का ये ब्लॉक के नीचे आ रहा ना 2 से, तो स्ट्रिंग भी इधर कितने से आ रही होगी 2 मीटर पर सेकेंड से। ये पॉइंट भी कितने से आ रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड से। ये वाला पॉइंट ऐसे इधर आ रहा होगा कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से। तो सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट भी इधर आ रहा होगा कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से। अब ये पॉइंट किस पे है, स्ट्रिंग पे, इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, बट स्ट्रिंग का रियल मूवमेंट किधर की तरफ होगा बोलो। ये रिंग का रियल मूवमेंट इधर की तरफ होगा, है ना, इस रिंग का रियल मूवमेंट इधर की तरफ होगा। अब ये रियल मूवमेंट अगर इधर की तरफ हो रहा है, इस रिंग का इधर की तरफ, तो ये हमारा वी क्या है, रिजल्टेंट। अब वी रिजल्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, इस वी का ये कंपोनेंट है, क्योंकि इस वी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ होगा कितना वी कॉस 37 और एक इधर की तरफ होगा कितना v sin 37। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वी है, तो ये दोनों का जिधर रिजल्टेंट लगेगा उधर की तरफ रिंग मूव करेगा, यानी कि रिंग इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो बताएं अगर ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड इसका कंपोनेंट है कंपोनेंट है, और इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना v cos 37, तो v cos 37 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, v cos 37 = 2, तो v × 4/5 = 2, तो v = कितना आ जाएगा 10/4, यानी कि 5/2, यानी कि v कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी। सेम क्वेश्चन को पावर मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पावर मेथड बहुत इजी लगेगा और आप वही यूज करेंगे हर जगह पे। ओके, तो ये हम लोगों को था पुली कंस्ट्रेंट बाय जनरल मेथड एंड सिंपल सी बात है जनरल कंस्ट्रेंट मेथड। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आओ। चलो भैया, ओके ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये दो वॉल हैं, ये वॉल वर्टिकल है, ये ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉड इज स्लाइडिंग बिटवीन द वॉल एज शोन इन द फिगर एट एन इंस्टेंट व्हेन पॉइंट ए इज मूविंग डाउन विथ 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी। ए किसी स्टैंड पे नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बी किधर जा रहा है, जाएगा इधर जाएगा, वो हम लोगों को बताना है कितने स्पीड से जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बी का जो मूवमेंट होगा, इस एंड का जो मूवमेंट होगा इधर की तरफ होगा रियल मूवमेंट वी, और यही हम लोगों को निकालना है। तो सेम क्वेश्चन हम लोग एन डॉट बी से भी कर सकते हैं, पावर मेथड से भी कर सकते हैं, बट पावर मेथड अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि इसको पावर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चाहिए आइए सबसे पहले हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलो भैया ये देखते हैं, पॉइंट ए तो नीचे आ रहा है, इसे क्या इस वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं अलोंग द रॉड, क्योंकि रॉड के अलोंग भी कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट कुछ टाइम बाद यहां पे होगा, कुछ ये वाला पॉइंट कुछ टाइम बाद यहां पे होगा, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ एक कंपोनेंट इधर की तरफ, जैसे हम लोग एम जी का करते थे। ओके, तो सेम बात है, इसका कंपोनेंट हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक अलोंग द रॉड और दूसरा परपेंडिकुलर टू द रॉड। अच्छा, ये 37 है तो ये कितना आ जाएगा 53, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 10 cos 53, मतलब 10 × 3/5 = 6 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये वाला इधर जाएगा कितने से 8 मीटर पर सेकंड से, कंपोनेंट इधर की तरफ ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट वो भी इधर की तरफ आएगा कितने से 6 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे जो पॉइंट वो भी इधर की तरफ आएगा कितने से 6 मीटर पर सेकंड से। अब ये वाला जो पॉइंट वो भी अलोंग द रॉड ही मूव करेगा, क्योंकि दो पॉइंट के रॉड के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना जीरो। तो रॉड का ये जो पॉइंट ये भी इधर की तरफ जा रहा होगा कितने से 6 मीटर पर सेकंड से। एनी डाउट, ये एंगल कितना आ जाएगा 37 डिग्री। अब ध्यान से देखें, वी निकालना है। पॉइंट बी का रियल मूवमेंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ। पॉइंट बी का रियल मूवमेंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ, यानी कि ये क्या है, रिजल्टेंट। अब इसके दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं। ओके, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा v sin 37, कितना आ जाएगा v sin 37, ये कितना आ जाएगा v cos 37, है ना। अब सिंपल सी बात है, बताएं इसका इधर की तरफ कंपोनेंट v sin 37
और वो कितना दिया हुआ 6, तो हम लोग क्या लिख देंगे v साइन 37 इज इक्वल टू 6, यानी कि v इंटू 3/5 इज इक्वल टू 6, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/3 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके ओ सॉरी 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 मिस्टेक्स सॉरी सॉरी सॉरी, इसका कंपोनेंट इधर आएगा cos 37, सॉरी cos 37, वही मैं सोचूं गलत कैसे आ रहा है cos 37। ओके तो v cos 37 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे v cos 37 आ जाएगा हमारा 6, यानी कि v इंटू 4/5 इज इक्वल टू 6, सो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/4, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ v कितना आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके एनी डाउट किसी को? तो ये था हम लोगों का जनरल कॉन्स्टेंट। ओके अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन बाय पावर मेथड, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन बाय पॉइंट मेथड। ओके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करें।